गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी फिलहाल बज रहा है रात के 11 और अभी हम अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो है मथुरा के लिए, और 12 बजे आएगी। तो अभी वेट करते हैं, थोड़े जल्दी आ गए हैं घर से। जी आई वहाँ से हाई कर रहे हैं लेकिन वीडियो में नहीं आए वो। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग मथुरा स्टेशन पर। हम यहाँ से जा रहे हैं जन्मभूमि ऑटो कर। अरे भाई साहब देख रहे हैं पूरी रात नहीं सोए हैं, ना सोने दिया उन्होंने किसी को। क्या क्या बातें चल रही है तुम दोनों की? कुछ नहीं, कुछ तो कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं फिर। केशव ने जो है सारी रात नशा किया है, उन्होंने सारी रात चाय पी है, चाय के बलबूते में जगते हुए आए हैं। तरफ जा रहे हैं तुम भाई? तो कैसे जा रहे हो फिल्म से बार बार? अरे ऐसे ही जा रहे हैं भैया, मथुरा कह के चंदौसी घुमा रहे हैं हमको। तो जस्ट लाइक बिफोर मंदिर से आ चुके हैं घूम के। पहले की तरह वीडियो अलाउड नहीं थी, वीडियो का फोन अलाउड नहीं था, बेल्ट पर्स वगैरह कोई सामान कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अलाउड कुछ भी अलाउड नहीं था। तो तुम कैसे मुंह लटका बैठी हो, फोटो नहीं खिंच रहा है? वैसे हमारा प्लान था वृंदावन जाने का लेकिन वो कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ऑटो वाले भैया थे वो बता रहे थे कि बरसाने में लठमार होली चल रही है तो वहाँ पर जा रहे हैं। फेमस होली भी है लठमार के बारे में सब हम लोगों ने इतना सुना भी है, मूवीज में देखा भी है, तो बस उसी के मथुरा है तो लस्सी पिए बिना कैसे जाएंगे ना भाई साहब? लस्सी पिए, लस्सी बिल्कुल भैया, लस्सी चाहिए इस टाइम पे। आइए लस्सी पीते हैं फिर। कैसी तो अंकल कुछ कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? पूछे हो तो हमारे लट्टू लाल जैसी। क्या बात है भैया, लस्सी तो सही में बहुत टेस्टी है, आगे टेस्टी है एकदम। माखन लस्सी बनाई है ना, उनकी मूछें भी बहुत बढ़िया है। अंकल जी का डायलॉग था मूछें हो तो नथू लाल जैसी। फाइनली ऑटो मिल चुका है बरसाने के लिए, उसकी भी गैस खत्म हो चुकी है, वो बढ़वा रहे हैं। दुनिया भर पड़ गई गैस तो चलते हैं फिर। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बरसाना के मंदिर पर, और अभी आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा है। तो ऑटो ने हमें 1.5 किलोमीटर पहले उतार दिया, अब पैदल जाना पड़ रहा है। यहाँ पे जाम है बहुत ज्यादा लग चुका है, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, होली भी खेली आ रही है। ये सबके साथ सोते हुए आए, मैं ऑटो में जगता हुआ आया हूँ भैया, मुझे तो आ रही है बहुत ही लग रहा था, बीच में आगे बैठे बैठे सो नहीं जाऊँ कहीं। ये क्योंकि कल ट्रेन में सो गया था, मैं नहीं सोया था पूरी ट्रेन में। तुम्हारी गलती, क्यों नहीं सोए थे तुम? तो फिर सामान भी तो देखना था, ये सब लोग सो गए थे, सामान कौन देखता? आगे चलिए और कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, आगे मिलते हैं, आगे देखते हैं भाई साहब हमारे। हेलो गाइस, पॉपकॉर्न खा लो, भूख लग रही है बहुत तेज। सुबह से तो एक्साइटेड थे, सब एनर्जी लो। और अभी भी मंदिर नहीं पहुंचे हैं, अभी चल के जाना पड़ रहा है, बैग टांग के ले जाना पड़ रहा है। आप लोग आए ना तो कहीं अपना कमरा देख के बैग रख के तभी आए, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैं आ चुके कैमरामैन वाले भैया के साथ में, कैमरा वाले भैया के साथ में आ चुके हैं भैया। मैं पता है, मैं घर से कह रहा था यार हमें कोई बड़ा ब्लॉगर मिल जाए, हमें कोई बड़ा ब्लॉगर मिल जाए, और मिल गई है।
पता है, हमने आपको पैर वाला फोटो देखा जो आपने अभी क्लिक करके डाला दो तीन दिन पहले, तब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं। मतलब फॉलो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर हम ये सोच रहे हैं कि कैसे करके बस वहाँ पे कैमरे वाले भैया मिल जाए। बस मिल गए हम यार, आप तो बहुत लंबे हो सच में। आप क्या कहना चाहेंगे? बस बढ़िया है, आप मजे से रंग लगाइए। एनर्जी लो थी, अब एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पे चले गई। मिल चुके हम कैमरा वाले भैया से, जिनका नाम है सोमेश पांडे। मतलब बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि काश वो मिल जाए यहाँ पर, और फाइनली मिल भी गए। मतलब कुछ पूछो मत, खुशी हो रही है ना, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हो रही है। अभी मैं अचानक से शुभम घूम रहा था, मिल गया। अरे कैमरा वाले भैया, भाई देख 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 देख, ये तो मुझसे ज्यादा पागल हो गया, हालांकि हाइप पे चला गया था ये, लेकिन उस टाइम के बाद वीडियो नहीं बना पाए थे। चलो फिलहाल थोड़ा गुलाल ले लिया जाए। हम लोग जो है होली मनाने आए हैं, पर गुलाल नहीं लाए। गुलाल नहीं लाए, गुलाल करीब से यहाँ से ले लेते हैं। गुलाल कितने से? ये कितने की है? ठीक है भाई, दे दीजिए। तो बैंक बैलेंस सब शिवम के पास ही है, तो वही देगा। रुपए हमारे मोदी का एक भैया ने डाल दिया। अच्छा देख रहा है तुम, बड़ा हराम बालक है, लड़कियों पे डाल रहा है उसे। चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट, और चढ़ाई करके जा रहे हैं ऊपर राधा रानी के मंदिर पर। अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बस गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और होली देख रहा हूँ मुझे खेली जा रही है, गर्मी हो रही है, बहुत स्वेटिंग हो रही है, और कोई नहीं, बस मजे बहुत आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी होली के लिए कलर है, यो यो 2 किलोमीटर जी ब्लॉगर। चलते चलते हो गए हम अपना ब्लॉग, हमने अपना ब्लॉग अलग कर लिया तुमसे। अच्छा अच्छा, मंदिर अभी नहीं पहुंचे, मंदिर अभी वो थोड़ी दूर और रह गया, लेकिन यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही शानदार। देख लो तुम्हें क्या जी कैमरा लो, देख सकते हैं आपका आज। सुमेश भैया आप हम जैसे लोगों की इंस्पिरेशन है, सीरियसली। हेलो एवरीवन, होली रे सखी अपनी गोरी रे, आज फिर आज वो पीछे था ना, आज आ रहा सीधा। मैं तो ये इसमें आपको बनारस वाले ब्लॉग से इंट्रोड्यूस कराया था, तब से आपका फैन हो गया हूँ मैं। हम लोग देखते थे इरफान जुनेजो, मोरू, इन सब लोगों को, तो हम कहते थे इंडिया में ऐसे क्रिकेटर्स मतलब कमी तो नहीं है, पर उस लेवल पे तो कोई नहीं बनाता है ना, जिस लेवल पे मोरू खेलते हैं। फिर मैंने कहा कि कोई है कैमरे वाले भैया करके, शुभम तुझे देखना चाहिए, तो इसने बोला चलो देखते हैं कौन है, तो हमने देखा। तो हमें तो पहले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे क्या लगा, मुझे लगा अरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोवर्स हैं तो यूं ही रीच हो जाएगी, लेकिन काम देखा भाई साहब, दिमाग फट के चार हो गया, काम देखकर पागल हो गए। कोशिश है कि कुछ नया बना सके। और मुंबई वाले ब्लॉग उसमें सिनेमेटिक तो भाई बहुत ही गजब लेवल के थे, मैं घर में सब लोगों को दिखा चुका हूँ, बार 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 वही दिखा रहा हूँ। और दीदी गर्मी कैसी हो रही है? हमारे साथ में ये पता नहीं आज के ब्लॉग से गायब रह रहे हैं आज वाले से, बहुत भाई गायब नहीं रह रहा हूँ, और इतना भाई फैमिली साथ में है तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा भाई साहब जी, फैमिली साथ में तो काम भूल जाओगे अपना? नहीं भाई देखो, काम नहीं भूलना, देखो काम भी जरूरी, फैमिली भी जरूरी है। अब ये है पीछे से भैया देख रहे हैं खिड़की में, भाग कर आ रहे हैं तो ये तो भाग जाते हैं। अरे मिलके भी तो आ रहे हैं कैमरा वाले भैया से, अच्छी बात है भाई। और अब मैं आपको हमेशा मिलता रहूंगा इस ब्लॉग में,
और आने वाले कई ब्लॉग में। तो चलो मंदिर की तरफ चलें फिर, फाइनली आ चुके हैं मंदिर के पास में हम। इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। और फिर अभी नहाते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं प्रेम मंदिर घूमने। वैसे खाना खाने का प्लान पहले था, लेकिन प्रेम मंदिर बंद हो जाएगा तो खाना बाद में। बहुत लेकिन बुरी हालत हो रही है, भूख भी लग रही है, सिर में भी दर्द हो रहा है। हालांकि मैंने नशा कभी किया नहीं है, पर फिर भी हैंगओवर फील हो रहा है। अगर हैंगओवर होता होगा तो सेम ऐसे होगा। नींबू चटवा दे, वैसे नींबू चाटेंगे कर्मा के साथ।